नहीं झुकने देंगे की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ने 15 अप्रैल तक के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया है। 15 अप्रैल तक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में रहेंगे। तिहाड़ पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। बाहर बताया गया, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कुछ हंगामा किया, लेकिन अरविंद केजरीवाल अब 15 तारीख तक तिहाड़ में रहेंगे। लेकिन जानते हैं आज की खबर ये नहीं है, खबर मेरे इन डॉक्यूमेंट्स में है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप हैरान हो जाएंगे, अरविंद केजरीवाल 15 अप्रैल तक तिहाड़ में रहेंगे। बल्कि आज खबर यह है कि अरविंद केजरीवाल ने ईडी के सामने पूछताछ में दो नाम ले लिए। दो नाम अरविंद केजरीवाल ने ले लिए जो आने वाले टाइम में ईडी के रडार पर आ सकते हैं। जेल जाने से पहले अरविंद केजरीवाल ने दो लोगों के नाम ले लिए हैं इन डॉक्यूमेंट्स में। वो नाम केजरीवाल के इस बड़े खेल ने ना सबको हैरान कर दिया। तिहाड़ जाने से पहले दिल्ली और दिल्ली में रहने वाले करीब 2 करोड़ लोगों के लिए बहुत बड़ा सवाल पीछे अरविंद केजरीवाल छोड़ गए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने किसी और का नहीं अपने मंत्रियों का नाम ले लिया। आतिशी सौरभ भारद्वाज का नाम ले लिया। आपको भरोसा नहीं होगा, अरविंद केजरीवाल ने इन दोनों का नाम ले लिया। डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे हाथ में और उन्होंने ये ईडी ने बताया कोर्ट में कि विजय नायर मुझे रिपोर्ट नहीं करता था, विजय नायर डिंट रिपोर्ट टू हिम बट टू आतिशी एंड सौरभ भारद्वाज। ये ईडी ने डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में प्रोड्यूस किए जिसमें बताया अरविंद केजरीवाल ने दोनों के नाम ले लिए, आतिशी और सौरभ भारद्वाज। अब सवाल उठ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने खुद को बचाने के लिए अपने ही दो मंत्रियों को फंसा दिया, क्योंकि अब ईडी इन दोनों से समर्थता पूछताछ करेगी। ये पूरी खबर मैं आपको बताऊंगा इस सवाल के साथ कि क्या तिहाड़ जेल में केजरीवाल क्लब के सदस्यों में जल्द ही कुछ और नए नाम जुड़ने वाले हैं। वैसे केजरीवाल कैबिनेट की इन दो मंत्रियों में पहला नाम मैंने आपको बताया, ये जो डॉक्यूमेंट है जो अरविंद केजरीवाल ने नाम लिया, दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी सिंह। दूसरा नाम दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज का। ये दोनों मंत्री अरविंद केजरीवाल के काफी करीबी और विश्वास पात्र माने जाते हैं। हर कोई हैरान है, अरविंद केजरीवाल ने आतिशी का नाम ले लिया, अरविंद केजरीवाल ने सौरभ भारद्वाज का नाम ले लिया। वो कह रहे हैं कि विजय नायर मुझे नहीं रिपोर्ट करता था, इन दोनों को करता था। मतलब एक तरीके से वो ये मान रहे हैं कि कुछ गड़बड़ अगर है भी तो मेरा कोई लेना देना नहीं है, इन दोनों से पूछो। आतिशी सिंह का नाम ले लिया, सौरभ भारद्वाज का नाम ले लिया। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल की वजह से दोनों के नाम शराब घोटाले में आ चुके हैं और आशंका इस बात की है कि अब दोनों भी जल्द ईडी के रडार पर आ सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का नाम खुद अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाले में लिया है। देखिए आज कोर्ट में ईडी ने कोर्ट में बताया कि अरविंद केजरीवाल ने पूछताछ में बताया कि शराब नीति घोटाले में गिरफ्तार आरोपी विजय नायर उन्हें नहीं बल्कि आतिशी सिंह और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। ईडी ने जब यह बात कोर्ट में कही तब अरविंद केजरीवाल बिल्कुल खामोश खड़े रहे। सुनिए हुआ क्या, कोर्ट के अंदर क्या हुआ। ईडी ने कोर्ट में बताया कि अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि विजय नायर आतिशी सिंह सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। अरविंद केजरीवाल बिल्कुल खामोश खड़े रहे, जबकि इन्हीं केजरीवाल ने 28 मार्च को अपने पक्ष में कोर्ट में वकालत की थी, अपने लिए खुद वकालत की। लेकिन आज जब ईडी ने कहा कि खुद अरविंद केजरीवाल ने बताया कि आतिशी सौरभ भारद्वाज ही आरोपी विजय नायर के बॉस थे, तब अरविंद केजरीवाल ईडी के दावे पर बिल्कुल मौन खड़े रहे। सामने खड़े थे सौरभ भारद्वाज और आतिशी, दोनों भौचक्के रह गए, हमारा नाम कहां से आ गया। उन्होंने ईडी के दावे का अरविंद केजरीवाल ने खंडन तक नहीं किया। ईडी ने जब कहा कि अरविंद केजरीवाल ने पूछताछ में आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम ले लिया, उस वक्त आतिशी सौरभ कोर्ट में मौजूद थे, दोनों अपना नाम सुनकर भौचक्के रह गए, हैरान रह गए। सूत्र बता रहे हैं कि दोनों ने कोर्टरूम में मौजूद अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल की तरफ हैरानी से देखा। सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल ने आतिशी का नाम सौरभ भारद्वाज का नाम क्यों लिया, सवाल नंबर एक। सवाल नंबर दो, क्या अरविंद केजरीवाल ने आतिशी और सौरभ को धोखा दिया जैसा बीजेपी आरोप लगा रही है। सवाल नंबर तीन, क्या अरविंद केजरीवाल ने खुद को बचाने के लिए अपने दो मंत्रियों को फंसा दिया।
खुद को बचाने के लिए अपने दो मंत्रियों को फंसा दिया। सवाल नंबर चार, क्या ईडी इन डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर सौरभ भारद्वाज और आतिशी से पूछताछ करेगी? और क्या शराब घोटाले के आरोपी विजय नायर को बंगला, क्योंकि आपको जानना चाहिए विजय नायर कैलाश गहलोत के बंगले में रह रहा था, तो अगर अरविंद केजरीवाल की बात में दम है तो क्या शराब घोटाले के आरोपी विजय नायर को बंगला सौरभ और आतिशी के कहने पर दे दिया गया होगा? और क्या सौरभ आतिशी का नाम शराब घोटाले में आने से अब अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता क्या साफ हो गया है? ये सात सवाल, क्योंकि आम आदमी पार्टी शीर्ष नेतृत्व में पहली पंक्ति के नेता या तो जेल में है या किसी ना किसी घोटाले में आरोपी है, या फिर घोटाले में उनका नाम आ चुका है जैसा कि आतिशी और सौरभ, या फिर वो विदेश में, मतलब आप राघव चड्ढा जी विदेश में, स्वाति मालीवाल जी भी कुछ कारणों से व्यक्तिगत वो भी यूएसए में। सवाल ये भी है कि शराब घोटाले में अपने दो मंत्रियों का नाम अरविंद केजरीवाल ने क्यों लिया? डॉक्यूमेंट क्या है मैं एक बार आपको पढ़कर दिखाता हूं। ईडी ने दावा है, ऑन बीइंग आस्क्ड अबाउट द एक्सटेंट ऑफ इंटरेक्शन एंड रिपोर्टिंग ऑफ श्री विजय नायर टू द एरएसटी, एरएसटी मतलब अरविंद केजरीवाल, ही स्टेटेड, अरविंद केजरीवाल ने कहा दैट श्री विजय नायर डिडंट रिपोर्ट टू हिम, विजय नायर मुझे रिपोर्ट नहीं करते अरविंद केजरीवाल, बट टू आतिशी एंड सौरभ भारद्वाज, वो तो आतिशी और सौरभ को रिपोर्ट करते हैं ये ईडी के डॉक्यूमेंट में। अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल के करीब और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पिछले दो साल से जेल में है, उन्होंने अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं लिया। मनीष सिसोदिया भी करीब एक साल से तिहाड़ जेल में थे या है, उन्होंने भी कभी अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं लिया। संजय सिंह करीब छह महीने से तिहाड़ में, नाम नहीं लिया उन्होंने अरविंद केजरीवाल का। विजय नायक करीब 16 महीने से तिहाड़ में, इनमें से किसी ने केजरीवाल का नाम नहीं लिया। पर अरविंद केजरीवाल सिर्फ 11 दिन ईडी कस्टडी में रहे, 11 दिन उन्होंने अपने, ये खुलासा आ गया, दो मंत्रियों आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम ले लिया। इसलिए सवाल यह कि क्या अरविंद केजरीवाल ने भी एक तरह से शराब नीति घोटाले की बात मान ली है, मतलब कुछ गड़बड़ हुई है, लेकिन विजय नायर इनको रिपोर्ट करता था, मुझे नहीं, मेरा को लेना देना ही है, गड़बड़ संभवतः उससे डिनाई नहीं किया अरविंद केजरीवाल ने, और अपने आप को मतलब आतिशी और सौरभ का नाम लेकर खुद को कथित शराब घोटाले से अलग कर लिया है। 11 दिन उनकी पूछताछ हुई है, पूछताछ पूरी हो गई है, अदालत ने दोषी नहीं कहा, उनको जेल में क्यों डाला है? मैम क्या आने वाले कितने दिनों के बाद आप लोग, अब जैसी में भेज दिया गया है सीएम साहब को, तो कब बेल मूव करने की आप लोग तैयारी कर रहे हैं? लोगों का एक ही मकसद है, इनको चुनावों में उनको जेल में डालना है, देश की जनता इस तानाशाही का जवाब देगी। उनको ये लगा कि ये बेल का केस नहीं है और माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की कस्टडी एक्सटेंड करने की आवश्यकता है, ये कोर्ट का फैसला है। बार बार आम आदमी पार्टी लीडर्स की बेल रिजेक्ट हो रही है, क्योंकि जो भी जांच एजेंसियां तथ्य रख रही हैं उसमें इस देश की कचहरियों का ये मानना है कि प्राइमा फेसी एविडेंस एस्टैब्लिश हो गया है आम आदमी पार्टी लीडर्स के खिलाफ करप्शन केसेस में। देखिए बड़ा सवाल यह है कि शराब नीति घोटाले में अब ईडी अगर आतिशी और सौरभ भारद्वाज को पूछताछ के लिए नोटिस भेजती है, अब अगर ईडी बुलाती है तो फिर अब जिम्मेदार मोदी सरकार को ठहराया जाएगा या फिर अरविंद केजरीवाल, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के कहने पर इन दोनों मंत्रियों पर अब अगर ईडी कोई एक्शन लेती है इसके लिए भी क्या बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा या अरविंद केजरीवाल को? आज जो लोग, आप सोचिए एक सवाल, दूसरा ये, आज जो लोग, जो नेता, जो पार्टियां पुराना भुलाकर अरविंद केजरीवाल को बचाने के लिए उनका साथ दे रही हैं, क्या अपने ही मंत्रियों के खिलाफ केजरीवाल के कथित कबूलनामे से ये मैसेज नहीं जाएगा कि वो खुद को बचाने के लिए अपनों को ही फंसा सकते हैं? अगर सौरभ भारद्वाज और आतिशी अगर शराब नीति घोटाले में फंसते हैं तो क्या इंडी गठबंधन अब भी ये कह पाएगा ये सब बीजेपी की साजिश है? तो अरविंद केजरीवाल दोनों का नाम ले रहे हैं, ये विजय नायर कौन है जो नाम आप बार बार सुन रहे हैं ना, जिसका शराब नीति घोटाले में बार बार जिक्र आ रहा है और जिसके लिए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। ये बताने से पहले आपको जानना चाहिए कि तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल क्लब के कितने नेताओं की मौजूदगी दर्ज हो चुकी है। तिहाड़ में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल नंबर 2 में रखे गए, जेल नंबर 2,
शराब नीति घोटाले में ही उनके सहयोगी मनीष सिसोदिया जेल नंबर एक में, इसलिए एक साल से बंद है, एक में एक साल से। जेल नंबर दो अरविंद केजरीवाल, शराब नीति घोटाले के अहम आरोपी विजय नायर को तिहाड़ की जेल नंबर चार में रखा गया। जेल नंबर चार, शराब घोटाले में ही आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जेल नंबर पांच। और जेल नंबर सात में दिल्ली सरकार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन। शराब घोटाले में केसीआर की बेटी के कविता जेल नंबर छह में बंद है। अब देखिए, अब आपको बताते हैं विजय नायर। विजय नायर ये जो नाम बार बार आप सुन रहे हैं ना, इसमें भी ईडी के डॉक्यूमेंट में विजय नायर का जिक्र शराब नीति घोटाले में बार बार हो रहा है, वो कौन है? इन्हीं विजय नायर के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वो सौरभ और आतिशी को रिपोर्ट करता था और उनकी बात विजय नायर से बहुत कम होती थी। ये दावा अरविंद केजरीवाल ने किया। ईडी ने आज शराब नीति घोटाले में अरविंद केजरीवाल को लेकर जो कहा उसे कई अहम खुलासे हुए। ईडी ने कहा डॉक्यूमेंट में विजय नायर आम आदमी पार्टी का मामूली कार्यकर्ता नहीं बल्कि पार्टी का कम्युनिकेशन सेल मीडिया हेड विजय नायर, केजरीवाल का बहुत क्लोज, केजरीवाल और विजय नायर के व्हाट्सएप चैट दोनों के करीबी रिश्तों को दिखाते हैं। ईडी ने यह भी कहा कि विजय नायर कई शराब कारोबारियों से शराब नीति लागू करने को लेकर मीटिंग कर रहा था, लेकिन जिस अधिकार से इस बात का जवाब अरविंद केजरीवाल ने नहीं दिया। विजय नायर खुद कह चुका है कि वो मंत्री कैलाश गहलोत के बंगले पर रहकर शराब नीति बना रहा था। कैलाश गहलोत के बंगले में विजय नायर रह रहा था, सीएम को रिपोर्ट नहीं करता था, यह दावा मुख्यमंत्री के कैंप ऑफिस में काम कर रहा था। लेकिन ईडी ने कहा कि केजरीवाल ने इन बातों पर कोई साफ जवाब नहीं दिया। आपके नेता, अब सुनिएगा एक और खुलासा, आपके नेता हैं एनडी गुप्ता, ये ट्रेजरार हैं। जब इनके बयानों को केजरीवाल के सामने रखा गया तो इनको कंफ्यूज्ड कह दिया अरविंद केजरीवाल ने। आम आदमी पार्टी के ट्रेजरार एनडी गुप्ता ने अपने स्टेटमेंट में कहा था कि चुनाव के दौरान राज्य का प्रभारी कौन होगा ये खुद अरविंद केजरीवाल तय करते थे। इस दावे के उलट अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी के नेताओं को कंफ्यूज करार दे दिया। ईडी ने कोर्ट को यह भी बताया कि अरविंद केजरीवाल जांच को गुमराह कर रहे और वो अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के पासवर्ड भी नहीं दे रहे, कोऑपरेट नहीं कर रहे। ऐसे तथ्यों के आधार पर कोर्ट ने केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। ये पहले मुख्यमंत्री होंगे दिल्ली के जो कि तिहाड़ में होंगे। घोटालेबाजी करने वाले लोगों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में केजरीवाल। आपका नाम आया है, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैम पहली बार आप कोर्ट में थी, उन्होंने कहा कि सीएम साहब ने कहा है कि विजय नायर आपको रिपोर्ट करते थे। मंत्री जी जो ये कर रहे हैं ये देश के लिए अच्छा नहीं है। आज तिहाड़ में केजरीवाल की पहली रात। सरकार फिर से नहीं चलेगी। शराब घोटाले में घिरे अरविंद केजरीवाल को आज एक बार फिर दिल्ली की राउल देवेटी कोर्ट से तगड़ा झटका लगा। 11 दिन की ईडी की रिमांड के बाद अब केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जिसके बाद आज उनकी पहली रात तिहाड़ जेल में बीतेगी। तिहाड़ में अरविंद केजरीवाल को जेल नंबर दो में रखा गया है। इस जेल में आमतौर पर उन कैदियों को रखा जाता है जो कोर्ट की तरफ से किसी भी मामले में कन्विक्ट होते हैं। तिहाड़ के बाहर की क्या तस्वीर है वो भी आपको दिखाते हैं। देखिए, ये रोड की दूसरी तरफ जो छोटे छोटे ठेले, छोटे छोटे चाय की दुकानें थी, उन सब को सुरक्षा के मद्देनजर बंद करा दिया गया है। दुकानों के बाहर भी पुलिस वालों की तैनाती नजर आ रही है। सुरक्षा के कारणों के चलते इन सभी को दुकानों को ढकने के लिए, बंद करने के लिए कह दिया गया है। इससे पहले दिल्ली के दो मंत्री सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया पहले ही तिहाड़ जेल में है। इसके अलावा राज्यसभा सांसद जो आम आदमी पार्टी के संजय सिंह वो भी तिहाड़ में है। ऐसे में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में अरविंद केजरीवाल तिहाड़ में रखे जाएंगे। जैसे ही केजरीवाल को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे जाने की खबर सामने आई, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता तिहाड़ जेल के बाहर ही इकट्ठे हो गए और केजरीवाल को जेल भेजे जाने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने लगे। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया, तो बीजेपी का कहना है कि कोर्ट के अंदर केजरीवाल का झूठ पूरी तरह एक्सपोज हो चुका है।
11 दिन उनकी पूछताछ हुई है, पूछताछ पूरी हो गई है, अदालत ने दोषी नहीं कहा, उनको जेल में क्यों डाला है? मैम क्या आने वाले कितने दिनों के बाद आप लोग, अब जैसे में भेज दिया गया है सीएम साहब को, तो कब बेल मूव करने की आप लोग तैयारी कर रहे हैं? इन लोगों का एक ही मकसद है, इनको चुनावों में उनको जेल में डालना है, देश की जनता इस तानाशाही का जवाब देगी। मोबाइल के पासवर्ड तक नहीं आपने दिए अब तक, अगर आपके पास छुपाने को कुछ नहीं था तो आपको देने चाहिए थे, और आप ईडी को नहीं देने चाहते थे, कोर्ट में खोल के सबके सामने दिखा देते, जिस जज के सामने आप चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे मैं बोला, उसी जज साहब के सामने पासवर्ड दे देते कि देखिए ये पासवर्ड, देखिए मैं सारा फोन खोल के दिखा रहा हूं, ये देख लीजिए। पर आपके पास छुपाने को बहुत कुछ है, करोड़ों रुपया जो आपने इकट्ठा किया है शराब घोटाले में, उसके सारे सबूत फोनों में है जो आप फोन नहीं देना चाहते। तिहाड़ के अंदर केजरीवाल जेल नंबर 2 में रहेंगे और इस जेल में वो अकेले ही रहेंगे। कुछ दिनों पहले ही आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को 2 नंबर जेल से 5 नंबर जेल में शिफ्ट किया गया है, जबकि पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को जेल नंबर 1 में रखा गया है। केजरीवाल की पार्टी के एक और नेता सत्येंद्र जैन तिहाड़ की 7 नंबर जेल में रखे गए हैं, और शराब घोटाले की एक और आरोपी के कविता को लेडी जेल, जेल नंबर 6 में रखा गया है। इन तमाम हाई प्रोफाइल नामों के बाद अब खुद केजरीवाल भी तिहाड़ जेल में पहुंच गए हैं। उन्होंने जेल में किताबें पढ़ने की अनुमति मांगी है। अरविंद केजरीवाल ने जेल में 3 किताबें मंगवाई है। ये किताबें हैं श्रीमद् भगवद गीता, रामायण और पत्रकार नीरजा चौधरी की किताब हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड। खास बात यह है कि तिहाड़ जेल के अंदर टोटल 9 जेल हैं और करीब 12,000 कैदी हैं। जेल में सभी कैदियों को एक खास रूटीन का पालन करना होता है। केजरीवाल को भी जेल में उसी दिनचर्या का पालन करना होगा। तिहाड़ जेल में सुबह सूरज निकलते ही कैदियों की सेल और बैरक को खोल दिया जाता है। जेल में कैसे गुजरेंगे केजरीवाल के दिन? सुबह के नाश्ते में करीब 6:30 बजे चाय और ब्रेड दिया जाता है। नहाने के बाद उसको अगर कोर्ट जाना हो या फिर मुलाकात करनी हो तो कैदी उसके लिए तैयार होता है। 10:30 बजे के करीब दाल, सब्जी और 5 रोटी या चावल कैदी को दिया जाता है। इसके बाद दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक कैदी जेल के अंदर बंद रहते हैं। 3:30 बजे के करीब कैदियों को चाय और 2 बिस्किट दी जाती है। फिर 4:00 बजे के करीब अगर कोई अपने वकील से मिलना चाहे तो मिल सकता है। 5:30 बजे रात का खाना दिया जाता है, जिसमें 1 दाल सब्जी, 5 रोटी या चावल मिलता है। इसके बाद 6:30 बजे से 7 बजे के करीब सभी कैदियों को सेल में बंद कर दिया जाता है। इसके अलावा जेल के अंदर कैदियों को टीवी देखने की सुविधा भी होती है, और अगर किसी को जेल में कोई शारीरिक दिक्कत होती है तो हर समय डॉक्टर उपलब्ध रहते हैं। मतलब केजरीवाल को अब जेल के अंदर खुद को उसी रूटीन में ढालना होगा जो तिहाड़ के जेल में सभी कैदियों के लिए तय किया गया है। केजरीवाल को ईडी की रिमांड पूरी होने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था, जहां ईडी की तरफ से कोर्ट में दलील रखी गई कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, जांच एजेंसी को मिसलीड कर रहे हैं। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने उन्हें 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप की राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। वो हिरासत से सत्ता की सियासत करने वाले मुख्यमंत्री तो रह ही चुके थे, और अब अभी तक उन्होंने जुडिशियल कस्टडी के बाद भी कोई उत्तर नहीं दिया है। इससे यह बहुत साफ हो जाता है कि सारा विपक्ष जिस आरोपी को बचाने के लिए प्रयास कर रहा था, न्यायालय की दृष्टि में वो गंभीर आरोप हैं। साफ देखने को मिल रहा है कि कैसे पीएमएलए कानून का हमारे देश में दुरुपयोग कर रही है भाजपा, कैसे अपनी एजेंसीज का दुरुपयोग कर रही है भाजपा। अभी शरद रेड्डी से 60 करोड़ लिया, जो उसके अरेस्ट के बाद, उसके बाद वो सरकारी गवाह बना, उसके बाद बेल होती है, उसके बयान के आधार पर मुख्यमंत्री जी की गिरफ्तारी हुई है। ऐसे बयान पर किसी पॉकेट मार की गिरफ्तारी ना हो जिस बयान पर एक सिटिंग मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हुई है। मैं अक्सर जेलों में कई बार कैदियों से मिलने जाता हूं। अब मैं सोच रहा हूं कि एक दिन तिहाड़ भी चलूं, थोड़ा कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स को भी लेके जाऊं, हम भी कुछ बात करें जिससे शायद इन लोगों की अंतरात्मा जागे, और जो दिल्ली को लूटे हैं,
जिनके कारण झुग्गियों का विकास नहीं हुआ, जिनके कारण नाले नहीं बन पाए, जिनके कारण नालियां बज बजाई हैं, जिनके कारण बुजुर्गों का पेंशन कट गया, जिसके कारण राशन कार्ड नहीं बन रहा है दिल्ली में, जिसके कारण दिल्ली की गलियां टूटी पड़ी हैं, शायद वो फंड रिलीज हो।